रुको रुको भाई, जरा शांति से तोड़फोड़ करो भाई। आप तोड़फोड़ शांति से कैसे हो सकती है? हाँ वो भी है। अरे घर में ये जो तोड़फोड़ चल रही है उसकी आवाज से इतना परेशान हो गया कि आवाज से बचने के लिए मैं यहाँ आ गया। ओ अच्छा। वैसे दे ये आवाज से तुझे कोई असर नहीं होती? नहीं, मैं तो एक बार मेरे कान में मगन हो जाती हूँ ना, फिर मुझे दूसरे कोई आवाज सुनाई नहीं देती। वाह, अरे मेरा तो इस आवाज से सर भर ही हो गया। तो अभी काम कीजिए ना, थोड़ी देर बाहर चक्कर लगा कर आइए ना। बता सब, आप शेयर बाजार पे लिखिए कि ये इतना ऊपर नीचे क्यों होता है। आप प्रॉपर्टी मार्केट पे लिखिए कि वो कभी नीचे आता ही नहीं। सब लोग बोलते हैं कि भाई मंदी है मंदी है, लेकिन फ्लैट खरीदने जाओ तो कोई सस्ते में देता नहीं है। करेक्ट क्या जेड़ा, भाव कोई कम करता ही नहीं है यहाँ। हलाल, बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सब एनालिस्ट का काम है भाई। जो ट्रेड एनालिस्ट होते हैं वो इन सब चीजों पे लिख सकते हैं। I mean, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं जिनको फाइनेंस का उतार चढ़ाव पता होता है। मैं कुछ आम जिंदगी की जो हमारी रोजमर्रा की बातें हैं, जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं, उन पे लिखना चाहता हूँ। तो एक काम करो, वो रास्ते पे जो आवारा कुत्ते घूमते हैं ना उस पे लिखो। वो कुत्तों से क्या परेशानी है यार? अरे कमाल करते हैं छोटी यार, वो कुत्ते रिक्शा के पीछे बाइक के पीछे कैसे दौड़ते हैं, और फिर अचानक कैसे फोंकते हैं, और बेचारे बाइक वाले बैलेंस कभी खो देते हैं, गिर जाते हैं, और रिक्शा वाला किधर ठोक देता है। बहुत परेशानी है भाई। जेठालाल, ये कुत्तों की समस्या व्यक्तिगत है, ये सबकी समस्या नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब, आवारा कुत्ते कितने लोगों को काटते हैं। और जेड़ा ना, कोई जानवरों की पिक्चर देखी है जो शेर और कुत्तों के आइडिया दे रहे हो? शेर का आइडिया कहाँ दिया मैंने? तो बोला ना शेयर मार्केट ऊपर थल्ले। वैसे मेहता साहब, जेठा ब्रा ने जो कुत्तों के ऊपर टॉपिक दिया है ना, कुत्तों के ऊपर फर्स्ट क्लास आप लिख डालो। नहीं नहीं सोड़ी, मजाक की बात अलग है, मुझे किसी और विषय पे लिखना है भाई। मेहता साहब, साफ सफाई के बारे में लिखिए। हाँ, जितनी हम लोग साफ सफाई रखेंगे उतनी बीमारियां कम होंगी। बराबर है एकदम। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर हाथी, लेकिन मैं सफाई के बारे में बहुत कुछ लिख चुका हूँ, लेकिन फिर भी लोग कहाँ सुधर रहे हैं। अरे वाह, मस्त आइडिया, डोंगी बाबाओं के ऊपर लिख दो, लोगों को बहुत बेवकूफ बना रहे हैं। अरे नहीं नहीं सोडी, वो डोंगी बाबाओं के भक्त लोग ने आके मेहता साहब पे हमला कर दिया तो। अरे जेड़ा ब्रा, मेरे होते किसी की हिम्मत है कि मेहता साहब को टच भी कर जाए। नहीं नहीं, इतना जोश में आने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी इन डोंगी बाबाओं पे बहुत कुछ लिख चुका हूँ। मेहता साहब, पानी। पानी? जेठा भाई, आप चाय के साथ पानी पीते हैं? जेठा ब्रा, पानी तो अपने उसके साथ लेते हैं ना। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ पानी पे लिखो, ऐसा। ओ ऐसा, ओ मस्त आइडिया, लिखो लिखो। अच्छा विषय है। क्या है, आज ही मैंने अखबार में पढ़ा था कि अभी वो 20% पानी का पाने वाला है। पिघल कर रहे हो? हाँ सही बात है, लोग पानी कितना वेस्ट करते हैं। नहीं, पानी की समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है भाई। पानीपत का युद्ध तो न जाने किन कारणों से लड़ा गया, लेकिन अगला विश्व युद्ध पानी की वजह से होगा। मुझे तो कभी कभी ऐसे विचार आते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि पानी पेट्रोल से ज्यादा महंगा बिकेगा। हाँ हाँ, तब गाड़ियां भी पानी से ही चल रही होंगी। हाँ बोलो। क्या है ना, लोगों को सब चीजें फ्री में मिल जाती है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। हालत खराब है भाई, पानी लोगों को पीने को मिलता नहीं है, लोग पानी इस तरह से नष्ट करते हैं कि पूछिए मत। देखिए घरों के अंदर लोग ब्रश करेंगे उस वक्त नल खुला रहेगा, पानी वेस्ट हो रहा है पता ही नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात, लोगों के नल खराब होते हैं, पानी टपकता रहता है, बूंद बूंद करके कितने गैलन पानी वेस्ट हो जाता है हमें पता ही नहीं है। हाँ। लेकिन नल ठीक नहीं कराते। ये तो बिल्कुल गलत बात है। वाह वाह, मैं तो मिल गया ना विषय, मिल गया पानी का। चलो लिखो लिखो लिखो। नहीं जेठा, पानी पे नहीं लिख सकता, पानी पे मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ऐसे तो मेहता साहब आप इतने सालों में हर विषय पे लिख चुके होंगे, तो अभी एक काम करो मेहता साहब, ये लाइन बदलो, कोई और काम धंधा देखो। क्या राइट आइडिया जेठा ब्रा? ओ मेहता साहब, डाइट फूड का ढाबा खोल लो। ए सोड़ी। नहीं नहीं मेहता साहब, डाइट फूड ढाबा मत खोलिएगा, कौन खाता है डाइट फूड? अरे मैं खाता हूँ ना भाई। आपकी तो मजबूरी है, चलेगा नहीं, धंधा नहीं चलेगा। अरे आप लोग इस विषय पे क्यों चर्चा कर रहे हैं, मुझे कोई लाइन नहीं बदलनी है, मुझे लेखक ही रहने दीजिए प्लीज। अरे मुझे इस वक्त जो आर्टिकल लिखना है वो, मैं कोई हास्य लेख लिखना चाहता हूँ, जो जैसे कि पति पत्नी के संबंध। पति पत्नी के संबंध हास्यास्पद होते हैं? नहीं नहीं जेठालाल, है तो एक करुण रस का विषय, लेकिन उस करुणा में भी कहीं ना कहीं हास्य उत्पन्न होता है, मैं उस हास्य पे लिखना चाहता हूँ, ऐसी कोई रोजमर्रा की घटना पर। ओह ये तो बहुत टाइम जाएगा इसमें, कोई बात नहीं, ढूंढिए ढूंढिए। ओ जेठा ब्रा, टाइम क्यों हो गया यार? टाइम हो गया 6:00।
अरे 6 बज गए, घर पे सारा काम खत्म हो गया होगा यार। हाँ, तो आज का काम हो गया ना। हाँ, तो अभी ये जो रैबिट है ना, आप नीचे दीवार की साइड में रख देना कंपाउंड में, ठीक है? हाँ, लेके जाइए लेके जाइए, मैं आता हूँ। अरे माधवी, ए माधवी, मैं जरा नीचे जाके आता हूँ। मैंने मजदूरों को ना रैबिट साइड में रखने को बोला है, तो जाके चेक करके आता हूँ वो साइड में रख रहे कि नहीं रख रहे। अगर बीच में रख देंगे तो सबको आने जाने में परेशानी होगी और फिर सब भिड़े भिड़े करके यहीं पे आ जाएंगे। नहीं, बरोबर है, जा जा जा। आता हूँ। ये रैबिट एकदम ठीक से रखना, उल्टो पलटा मत रखना, बराबर करके रखना। हाँ, एकदम ठीक है। अरे आशुन आशुन भीड़े मशाई, ए आप ये देखने के लिए आए ना कि रैबिट ठीक से रखा है कि नहीं? हाँ हाँ सप्तरंगी भाई, क्या है, सोसाइटी में गंदगी नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी अगर स्वच्छ रहेगी तो बीमारी नहीं फैलेगी ना। अरे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम आपको शिकायत का मौका ही नहीं देगा। नहीं, करेक्ट है सप्तरंगी भाई, आपने बहुत सिस्टमेटिक काम किया है। भाई वाकई वाकई बहुत बढ़िया भाई, मैंने इतना परफेक्ट काम आज तक नहीं देखा। मेरा आशीर्वाद है कि आपकी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। अरे वाह वाह सत्तू भाई, आप तो बहुत नसीबदार है, पोपटलाल जी के आशीर्वाद मिल गए आपको। अब तो आपकी शादी होगी होगी। क्या बुजुर्गों के आशीर्वाद में जबरदस्त ताकत होती है। जेठालाल, बुजुर्ग मतलब? मेरा कहने का मतलब है बुजुर्ग नहीं, मतलब कोई भी किसी को दिल से आशीर्वाद देता है तो फिर वो आशीर्वाद थोड़ी बहुत होता ही होता है। क्या होता है? मतलब वो जो आशीर्वाद में बात होती है वो होती ही है। वैसे जेठालाल, आप सब अभी कहाँ से आ रहे हो? अरे भाई वो घर में काम चल रहा है ना, तो धड़ाधड़ी आवाज से परेशान होके हम लोग जरा बाहर एक जरा लटार मार के आए, चक्कर मार के आए। ओहो, क्या बात है, चक्कर लगाने गए थे, वाह। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है ही नहीं मतलब। हाँ, क्या मतलब? नहीं, मतलब ये जेठालाल कि तुम लोग तो चक्कर लगाने चले गए, कभी ये सोचा है कि हमारी पत्नियां जो घर में काम कर रही है ऐसा चालू काम छोड़कर चक्कर लगाने चली गई तो? अरे यार भाई, मैं भिड़े की बात से 100% सहमत हूँ। अगर मेरी पत्नी होती तो मैं उसे ऐसे घर पर छोड़कर कभी नहीं जाता। ओ, उसके लिए शादी होना जरूरी है। और आप एक दिन भी एडजस्ट नहीं कर सकते? आज तो सबने छुट्टी ली है ना, तो घर में बैठ के काम देखना चाहिए ना। वैसे भिड़े, आज तूने भी ट्यूशन से छुट्टी ली है? हाँ, तो इसीलिए बच्चों के कसर हम पे उतार रहा है। सॉरी भाई जेठालाल, मुझे तो बोलना ही नहीं चाहिए। अरे भाई तो नाराज हो गया? नहीं भाई नहीं, तूने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा। हम लोग तो आवाज की फरियाद करके बाहर टहलने निकल गए, लेकिन हमारी पत्नियां तो बेचारी फरियाद भी नहीं करती, उसी आवाज में घर के अंदर ही है। सही बात है। अरे ये सब छोड़ो भाई, सप्तरंगी भाई आप ये बताइए, हमारा कामकाज का मोर्चा कहाँ तक पहुँचा है? आज का काम हो गया है, कल हम सुबह आके यहाँ पे एक शेड बना देगा, और जैसे ही सारा का सारा मिट्टी लाएगा हम शेड के नीचे रखवा देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे साहब, अब हम जाएं, हमारा काम तो हो गया है। और सुनो, आपका जो मुकदम है ना, उसको मैं रात को फोन कर देगा कि मेरे को कल कितना आदमी चाहिए, और आपका आज का जितना पैसा होता है ना वो आपके मुकदम को दे दिया है, उससे ले लेना, ठीक है? हाँ ठीक है साहब, ठीक है, शुक्रिया। चलो नमस्ते सर। नमस्ते, थैंक यू, आ जाओ। बढ़िया काम किया आज सब एकदम। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। मेरे पास सब बहुत चला रही है। अरे सप्तू बाबू, मुकदम मतलब? मुकदम मतलब मजदूरों का कॉन्ट्रैक्टर, उसे रोज बोलना पड़ता है कि मुझे अगला दिन कितना आदमी चाहिए। मैं उसे आज फोन करूंगा तो कल वो अपना आदमी भेजेगा। जैसे हम सबका मुकदम भिड़े। अच्छा अभी मैं चलता हूँ, कल हम सुबह 9 बजे मिलेगा। ओके, थैंक यू, चलो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ओके सत्तू भाई, ओके। वाह वाह, मानना पड़ेगा दोस्तों, ये सत्तू भाई ने तो जबरदस्त काम कर दिया है। अरे भाई जेठालाल, थोड़ा सब्र रखो, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, काम पूरा हो जाने दो, बाद में तारीफ कर लो। अरे तारीफ है, मोबाइल का बैलेंस नहीं है कि खर्च नहीं करो भाई। हर मामले में कंजूसी। नहीं वो बराबर है, लेकिन यहाँ जो ये रैबिट पड़ा है उसको देख के मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि आज बहुत बढ़िया काम हुआ है। हाँ भाई चलो, घर जाके देख भी लेगा हमारा काम कहाँ तक पहुँचा। तो कहिए लेखक महोदय, कैसा लग रहा है अपना टूटा फूटा घर?
क्या बताऊं अंजलि, इस घर को देखता हूं तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे चित्र तो है पर रंग नहीं है, उपवन है पर फूल नहीं है, फूल है पर खुशबू नहीं है। क्या बात है, मतलब आपकी कल्पना यहाँ भी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। अरे क्या करे भाई, हमें तो काम ये यही आता है। अरे पर आपका ये काम खत्म हुआ कि नहीं? अरे आर्टिकल कैसे पूरा होता है अंजलि, कुछ सोचो, उससे पहले तो जेठालाल आ गया। अरे जेठिया बहुत काम हो गया है। अच्छा हाँ देख देख। अरे बाप रे, ये क्या पूरी की पूरी दीवार कहाँ गई? छोटी छोटी गुड़ियों में। मतलब दीवार को तोड़कर छोटी छोटी गुड़ियों में भरकर ले गए। बाप रे, है बापू जी, दीवार तोड़ दी तो हॉल कितना बड़ा लग रहा है। हाँ देखिए, अब तो हमारा घर इतना बड़ा हो गया है कि हम यहाँ भजन भी रख सकते हैं। और घर में कोई प्रसंग हो तो 40-50 लोग तो आराम से एक साथ बैठकर यहाँ खाना खा सकते हैं ना। हाँ बेटा मैदान नहीं है, यहाँ क्रिकेट नहीं खेल सकता प्लीज। लेकिन गरबा तो कर सकते हैं ना, मजा आएगा। हाँ अरे लेकिन दया, ये हमेशा ऐसा खुला खुला थोड़ी रहेगा, यहाँ फर्नीचर भी आएगा ना। हाँ तो टप्पू के पापा, हम ज्यादा फर्नीचर नहीं करवाएंगे, खुलकर गरबा कर सके ना उतना थोड़ा ही फर्नीचर यहाँ करवाएंगे। अरे भाई फिलहाल मेरे पेट में चूहे गरबा कर रहे हैं, उसका कुछ इलाज कर भाई। हाँ हाँ मैं अभी खाना बना देती हूँ। और टप्पू दिक्का, आप लोग भी यही खाना खाना हो बेटा। नहीं आंटी, आज आपके घर पे खाना नहीं बनेगा। क्यों? आज गोकुलधाम की सारी लेडीज को खाना बनाने से छुट्टी है। ये। अरे बेटा तुम लोग तो कॉलेज चले गए थे, यहाँ घर खाली करते करते हमारी हालत खराब हो गई थी, अभी पेट को खाली नहीं रख सकते ज्यादा देर तक। हाँ बेटा हाँ। पापा किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा, आज रात 8:30 बजे सरप्राइज पार्टी है। अरे वाह, किसके घर पे? किसी के घर नहीं अंकल, सोसाइटी कंपाउंड में। हाँ। ओहो, अरे वाह तो मजे आएगा दया। बाबू जी सरप्राइज पार्टी। तो बेटा ये सरप्राइज पार्टी में क्या खाना क्या होगा? अरे जेठा अंकल सरप्राइज बता दिया तो सरप्राइज का मजा कैसे आएगा? आप ठीक 8:30 बजे नीचे आ जाना। चलो फ्रेंड्स, अब सोडी अंकल के मैं बता कर आते हैं। वाह सरप्राइज, मजा आएगा। वाह वाह वाह, घर का काम तो मस्त हो गया। अगर सोनिया ऐसे घर का काम चलता रहा ना तो 2 दिन के अंदर पूरा घर टूट जाएगा। हाय रोशन, हमें घर तोड़ना नहीं है, रेनोवेट करना है। हाँ करेक्ट कह रही है सोनिया। ओ पिड़ू, उससे शॉर्टकट की खिड़की से बात करता हूँ। ओ पिड़ू। हाँ बोल सोड़ी। ओ पिड़ू, हमारे घर का तोड़ने का काम एकदम मस्त हुआ यार। ये भी कोई कहने की बात है? सोड़ी भाई, हमारे घर का भी तोड़ने का काम अच्छा हुआ है। हाँ मस्त। और पिड़ो, कुछ भी चाहिए हो तो यहीं से ही बता देना, बिल्कुल भी शर्माना मत। हाँ ना नहीं बिल्कुल नहीं, अरे इतना अच्छा शॉर्टकट बनाया तुमने, मैं यहीं से मांगूंगा जो भी चाहिए, है ना। चल चल सोनिया। जब तक ये काम चलने वाला है ना, ये सोड़ी ऐसे ही चौंकाने वाला है वहां से। दीवारों के भी कान होते हैं, अब तो आंखें भी। सोड़ी अंकल आपको भी वेलकम, आज रात की सरप्राइज पार्टी के लिए। तेरी सरप्राइज पार्टी? वो आप लोग हमें बुलाएं और हम लोग ना आएं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो आज रात 8:30 बजे कंपाउंड में आ जाना। ओके आ जाएंगे जी, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। क्या सड़िए? ओके 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 सोड़ी अंकल। चलो फ्रेंड्स अब वीडियो अंकल घर चलते हैं। और सुन 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 टप्पू, और पिड़ू के घर जाने की जरूरत नहीं है। अरे क्यों? और पिड़ू से बात करनी है तो यहीं से बात कर ले शॉर्टकट से। होल इन द वॉल। अरे ये कैसे, किसने किया? गोगी ने? ओ ना ना, गोगी पुत्र तो स्कूल गया है, बस आते ही होगा। ये कमाल तो मुझसे हुआ है। जरा हाथ जोर से लग गया। आजा आजा। हाँ से बात करो। हाँ पिड़ू। सोड़ी, हाँ सोड़ी बोलो। ओ पिड़ू आ जल्दी बाहर आ। एक मिनट। ये भी टप्पू सेना भी उधर ही है, बोल गोड़िया। अरे वाह भिड़े अंकल, क्या शॉर्टकट है। अरे भाई काम क्या है वो बोलो ना। भिड़े अंकल
आज रात को 8:30 बजे टप्पू सिंह और दादाजी की तरफ से सरप्राइज पार्टी है, तो आप आ जाना। अरे वाह मस्त, आएंगे आएंगे बड़ा तो। चल गोली अब तेरे घर जाते हैं। नहीं मेरे घर पे जाने की जरूरत नहीं, मैंने मेरे मम्मी पापा को बोल दिया है, हम लोग सीधा मेहता अंकल के घर पे आते हैं। बच्चे भी बड़े मस्त है। मेहता अंकल स्टैंडी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग माय डियर टप्पू सेना। मेहता अंकल आज रात ठीक 8:30 बजे सोसाइटी कंपाउंड में एक सरप्राइज पार्टी है। सरप्राइज पार्टी? सुन लिया भाई सुन लिया, पोपट अंकल ने भी सरप्राइज पार्टी के बारे में सुन लिया। नमस्ते मेहता साहब, अंजलि भाभी नमस्ते। नमस्ते पोपट भाई। बताओ भाई कौन सी सरप्राइज पार्टी? अरे गोली, मेहता अंकल को सरप्राइज पार्टी के बारे में नहीं बताना था। अरे मुझे क्यों नहीं बताना था भाई? उनका तो उनके घर पे डाइट फूड रेडी होगा ना, वो सरप्राइज पार्टी में क्या करेंगे। हाँ अरे हाँ हाँ बराबर है बराबर है। देखा श्रीमती जी आपके डाइट फूड का कमाल, आपके डाइट फूड की वजह से कोई इस लायक भी नहीं समझता कि पार्टी में बुलाए। बच्चों ये क्या मजाक है? नहीं नहीं सॉरी आंटी सॉरी अंकल, सरप्राइज पार्टी सबके लिए है। देखा सॉरी सॉरी हम लोग मजाक कर रहे थे। लेकिन आप लोग ठीक 8:30 बजे कंपाउंड में सरप्राइज पार्टी के लिए आ जाना। मजाक करता है कोई? आएंगे जरूर आएंगे। हाँ बिल्कुल मजा आ जाएगा। अच्छा बच्चों अब अच्छे बच्चों की तरह बता दो कि सरप्राइज पार्टी क्या है। पोपट भाई बच्चों के साथ क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, पार्टी सरप्राइज है। पोपट अंकल सरप्राइज आपको रात को ही पता चलेगा। ठीक है चलो फ्रेंड्स अय्यर अंकल को बताकर आते हैं। हाँ। अरे बच्चों मैं अभी घर ही जा रहा हूँ, अय्यर भाई को मैं बता दूंगा। थैंक यू थैंक यू। अब्दुल भाई। अरे अरे बच्चों बोलो क्या बात है। अच्छा अब्दुल भाई आप तैयार है ना? अरे अब्दुल भाई तो हमेशा तैयार रहते हैं। नहीं अब्दुल भाई आज रात की सरप्राइज पार्टी के लिए तैयार रहना। सरप्राइज पार्टी आज रात 8:30 बजे आपको हमारी और दादाजी की सरप्राइज पार्टी में आना है। हाँ हाँ जरूर आऊंगा, लेकिन आना कहाँ है? एड्रेस नोट कीजिए। हाँ एक मिनट। हाँ गोकुलधाम सोसाइटी कंपाउंड। अरे गोकुलधाम सोसाइटी तो यही है। हाँ तो आ जाना ना 8:30 बजे। यस आ जाऊंगा मैं। ओके चलो 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 बाय बाय। अरे आइए आइए आइए। अरे आ गए सब आ गए। वेलकम आइए आइए। हाय हाय मम्मी। हाय मामा। वेलकम वेलकम। टप्पू सेना अब तो बता दो खाने में क्या है, क्या सरप्राइज आइटम है? बताते बताते। जब से पता चला है आज रात को खाने की सरप्राइज पार्टी है मुझे तब से ही भूख लग गई है। आती भाई कहीं ऐसा ना हो बच्चों ने सरप्राइज में सलाद रखा हो। जबान संभाल के बात करो। सलाद जो क्यों सलाद? सलाद कोई खाने की चीज है? सलाद हमेशा नकारात्मक बातें करते हो। तारक क्या हो गया आपको? पोपट भाई सैलेड की बात कर रहे हैं। सो गुड फॉर हेल्थ। व्हाट गुड फॉर हेल्थ? ओ मेहता साहब शांति शांति। और बाबू तू चुप कर। ओ मेहता साहब सलाद होगा तो आप मत खाना ना बस। टप्पू दिखा देख यहाँ झगड़े शुरू हो गए हैं। अब तो बेटा सरप्राइज क्या है? हाँ टप्पू 8:30 बज गए भाई, अब तो बताओ क्या है सरप्राइज। हाँ टप्पू भाई सरप्राइज झड़ने के लिए देख सब टाइम पे आ गए, यहाँ तक कि भिड़े अंकल भी आज लेट नहीं हुए। भिड़े अंकल मतलब? तो मैं कब लेट होता हूँ? अरे क्यों गणपति की मूर्ति लेने जाना था तभी लेट नहीं हुआ था? अरे हाँ वो का है, एक बार लेट हो गया था जेठवा, कितनी बार सुनाओगे? गणपति कभी गेले गावाला पण चैन पडत नाही तुम्हाला ना। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ मैं। जेठालाल भाई ये मजाक का वक्त नहीं है भाई, अभी पता करो ना क्या है सरप्राइज। हाँ ओ बच्चो ओ जल्दी बताओ कि सरप्राइज क्या है यार। हाँ बताओ बताओ भाई जल्दी। मित्रों आज दशहरा विजयादशमी, और हम सभी जानते हैं कि आज का दिन बुराई पे अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। हम मनाएंगे दुख दर्द पर हास्य की विजय के प्रतीक के रूप में। और यहाँ गोकुल धाम में सरप्राइज पार्टी है, और सरप्राइज क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। सरप्राइज है पाव भाजी, तो आप भी अपने घर में पाव भाजी बनाइए और हमारे साथ पाव भाजी खाइए भाई। पूरे दिन की थकान के बाद पाव भाजी खाने का मजा ही कुछ और है।
तो सरप्राइज तो मैंने आपको बता दिया कि पाव भाजी है, लेकिन जैसे धूप के बाद छांव और सीधी सड़क पे मोड़ है, ठीक वैसे ही गोकुलधाम में हर खुशी के साथ कोई ना कोई परेशानी जरूर है। पाव भाजी का सरप्राइज तो है, लेकिन पाव भाजी हजम होने का पूरा इंतजाम हो गया। अब आप कहेंगे कि क्या भाई इतना सरप्राइज आउट मत करवाइए, एक सरप्राइज बता दिया, अभी हजम कैसे होगा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कि पाव भाजी किस तरह से हजम होगी। लेकिन आप हंसी को आप हजम मत होने दीजिएगा, देखते रहिए हंसते रहिए तारक मेहता का उल्टा। सोडी टीवी का आवाज कम कर भाई, कौन है जो इतनी रात को मुझसे पिटने वाला है? जरा बालकनी में जाकर देखते हैं। कौन है ये लोग, क्यों इतना हॉर्न बजा रहे हैं? सुना ही नहीं दे रहा, देखो क्यों बजा रहे हॉर्न। अरे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, इतनी जोर से हॉर्न बजा रहा है वो।